हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी यूपीएससी की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं जिनमें से काफी वैकेंसीज हमारे काम की भी और काफी वैकेंसी डिफरेंट सब्जेक्ट्स वालों के लिए भी काम की है तो उनके साथ भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अगर हम यहाँ पे वे वैकेंसी देखें तो किस किस चीज़ mm -hmm. के लिए एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए जूनियर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी के लिए जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री के लिए इन्वेस्टिगेटर ग्रेड के लिए है सीनियर डिजाइन ऑफिसर ग्रेड वन साइंटिस्ट बी साइंटिस्ट बी फॉरेंसिक नार्कोटिक्स जूनियर साइंटिफिक साइंटिफिक ऑफिसर Uh, assistant architect and assistant professor and drug inspector. इन सब सब के के लिए vacancies है। अगर हम यहाँ पर एक-एक करके सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए टोटल यहां पर छब्बीस वैकेंसीज है इस काफी अच्छी यहां पर अगर हम देखिए यहां पर जो स्पेस स्केल रहने वाला है वो ये स्पेस स्केल रहेगा अगर हम यहाँ पे देखें सेवन स्केल पे स्केल है अगर हम यहाँ पे देखें एज जो है आपकी थर्टी साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल ई डब्ल्यू एस से है और बाकी कैटेगरी से तो पैंतीस साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर हम यहाँ पे देखें तो डिग्री आपकी फार्मेसी में हो सकती है फार्मास्यूटिकल साइंस में हो सकती है मेडिसिन में हो सकती है फिर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाई इंडिया बाई लॉ ये सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मैंशन कर रखी है अगर हम यहाँ पर देखें आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर हम यहाँ पर देखें तो

सत्ताईस तारीख लास्ट डेट है तो आपको फटफट भरना पड़ेगा और ये जो ऊपर वाले यहाँ पे चार है हैं इनकी दस तारीख लास्ट है ग्यारह दस ग्यारह अगर हम यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा की है सिर्फ एक ही वैकेंसी है इसकी पे स्केल जो है यहाँ पे थर्ड वाला रहने वाला है मतलब तो पंद्रह हज़ार से लेके थर्टी नाइन प्लस ग्रेड पे रुपीज़ फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एज़ पर दिस 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 अगर हम यहाँ पे देखें आपकी जो एज होनी चाहिए वो फोर्टी फाइव ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी जो डिग्री है वो आयुर्वेदा में होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आ, इन सब्जेक्ट और उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है क्वालिफिकेशन हर रिलैक्सेबल उसके हिसाब से इन्होंने ये सब बता रखा है प्रोबेशन पीरियड जो है वन साल का है पोस्ट जो है वो परमानेंट है अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट पे चले तो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की जॉब है ये टोटल तेरह वैकेंसी है ये आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी है जो एडुकेशन डिग्री आर्किटेक्ट जो है जिनके पास है उनके लिए वैकेंसीज़ है तो अगर आपका कोई दोस्त हो तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखिये जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की है ए की वैकेंसी है यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें क्वालिफिकेशन की आ, लेवल की बात करें पे लेवल की तो 44,000 से लेकर वन लाख फोर्टी होने वाला है यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स में मैथमेटिक्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स में फॉरेंसिक साइंस में विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग ऑल द थ्री ईयर ऑफ बैचलर ऑफ साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च एंड एनालिटिकल वर्क इन द फील्ड ये ये आपके पास होना चाहिए प्रोबेशन पीरियड है दो साल का परमानेंट पोजिशन नेक्स्ट पे अगर हम चले तो नेक्स्ट है यहाँ पे साइंटिस्ट बी फॉरेंसिक नारकोटिक्स की है ये यह तीन यहाँ पे वैकेंसी आई है पे स्केल अगर हम यहाँ पे देखें दस पे स्केल है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड से लेकर वन लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ यहाँ पर आपको uh, पे स्केल है एडुकेशन क्वालिफिकेशन में मास्टर्स इन केमिस्ट्री या फिर मास्टर्स इन बाई बायो केमिस्ट्री होनी चाहिए या फिर आपकी मास्टर्स इन फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए ड्यूरिंग ऑल द थ्री इयर्स ऑफ बैचलर ऑफ साइंस एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तीन साल का क्वालिफिकेशन यहाँ पर है नॉट क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये है डिजायरेबल का मतलब है कि अगर ये चीज़ भी हो तो अच्छी है पर अगर आपके पास असेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि वन ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसके अलावा आपकी ड्यूटीज क्या क्या होगी दो साल का प्रोबेशन होगा जॉब जो है वो परमानेंट है यहाँ पर ये यह सब चीजें इन्होंने मैंशन कर रखी है नेक्स्ट जो है यहाँ पर नेक्स्ट है साइंटिस्ट भी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जॉब है सात वैकेंसीज है टोटल इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज के लिए होगा आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में 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 फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री और फिजिक्स एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट ड्यूरिंग ऑल द थ्री ईयर्स ऑफ बैचलर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तीन साल का डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वन मतलब हो सकता है वन ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर अगर हम आगे देखें नेक्स्ट है सीनियर डिजाइन ऑफिसर ग्रेड वन ये इंजीनियरिंग वालों की जॉब है एक ही यहाँ पर वैकेंसी है असेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं इन सब में से आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए अगर आपकी मरीन इंजीनियरिंग है या फिर आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर हम यहाँ, आगे यहाँ पे आगे देखें इन्वेस्टिगेटर ग्रेड वन यहाँ पे बारह वैकेंसीज है टोटल पे स्केल यहाँ पर ये है ये सब जो वैकेंसी है ये है इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट वैकेंसी पे अगर हम चले जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री की जॉब है नाम से पता चल रहा है एक यहाँ पे वैकेंसी है यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल क्या है पे का आपके पास होनी चाहिए या तो बायो या पे आपके पास होनी चाहिए या तो बायो केमिस्ट्री या फिर आपके पास होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग ऑल थ्री इयर्स ऑफ बैचलर ऑफ साइंस यानी कि आपके पास बायो है या फिर आप फॉरेंसिक साइंस में भी हो आपके पास मास्टर्स डिग्री है लेकिन उसके साथ साथ आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर बैचलर ईयर यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास तीन साल का एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ये डिजायरेबल है टू ईयर्स का प्रोबेशन है जॉब जो है परमानेंट है नेक्स्ट जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब है बायोलॉजी वालों के लिए सिर्फ हमारे लिए एक ही जॉब है पे स्केल जो है इतना है एडुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास इन सब सब्जेक्ट्स में से किसी में भी आपकी मास्टर्स हो सकती है और उसके अलावा यहाँ पर बोला है कि विद बॉटनी ऑफ जोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग ऑल द थ्री ईयर्स ऑफ बैचलर्स एक्सपीरियंस आपके पास तीन साल का होना चाहिए और यहाँ पर दो साल का प्रोबेशन पीरियड है जॉब जो है वो परमानेंट है लास्ट वैकेंसी की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफिसर की जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आती है एक वैकेंसी है यहाँ पर स्केल इतना रहने वाला है आपकी मास्टर्स होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए ये सब इन्होंने मैंशन कर रखा है एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एक साल का इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्क इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यहां पर दो साल का यहां पर क्या होगा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है अगर आपके पास दो साल की है तो यहां पे अगर हम देखें वन ईयर फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स यहां पर ये यह जो जॉब है ये भी परमानेंट है तो ये सारी यहाँ पर जॉब है गाइस ये सारी यहाँ पर वैकेंसीज है अगर आपको लगता है कि आप इसमें किसी में भी फिट बैठते हैं किसी में भी आप यहाँ पे आते हैं तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा या फिर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ये जॉब्स जो है परमानेंट है तो ये बहुत अच्छी बात है सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस नीचे वाली जो जॉब्स है वो 27 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं और ऊपर वाली जॉब्स के लिए 10 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं यू ऑल द वेरी बेस्ट का उम्मीद करते हुए वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और ऐसे ही और अपडेट्स जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा टेक बाय विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाय